Happy birthday new you. Happy birthday to you. बॉक्सी बॉक्सी को आज घुमाने ले जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सोया है भाई? कौन सोया है बाबू? आप क्लियर कर लो यार। नहीं नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। नहीं नहीं रोज रोज का मेरे को। नहीं नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। आप कट्टू कट क्यों नहीं बात करती हो? क्या हुआ तेरे को? भूख लगी है? भूख लगी है तेरे को है? मतलब मेरी स्टैंडर्ड की पर्सनैलिटी है वो, छिछोरों वाली नहीं है मेरी वो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका पुलना गांव से। सुबह के भाई 8:30 हो रहे हैं, आप जाके मैं उठा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ देखिए धूप है अभी बहुत ज़्यादा। दूर पहाड़ों में ऊपर 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 यहाँ पहुँचने अब 10:30-11 बज रहे हैं, तो इसलिए ठंडे में मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा सुबह, बहुत ज़्यादा, बिना मतलब चूल्हे के अब रहा नहीं जाएगा। अब मुझे लगता है 10-15 दिनों में चूल्हा भी जलना शुरू हो जाएगा, आग तापेंगे हम लोग तो ऐसे ही दिन कटेंगे। तो कुछ ऐसा अभी सुबह का माहौल है पुलना गांव में, धूप का इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। सुबह सुबह पता नहीं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ ये वाला डॉग, ये खुश हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ से आया तू? कहाँ से आया है? क्या नाम है? इसको रोटी दे रही है मम्मी, खा खा खा। अभी पता चल रहा है ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। ये जब गोविंद धाम में था ये ना बहुत छोटा था, और इसके एक दिन पैर पे चोट लगी थी इस वाले पे, तो मैंने इसको बिस्किट वगैरह खिलाए, थोड़ा मतलब कोशिश करी कि दवाई लगाऊं, तो शायद इसीलिए ये मुझे पहचान करके वहाँ से आया है भाई यहाँ पे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों आ रहा है। डॉगी की मेमोरी इतनी शार्प रहती है भाई, मेरे को तक याद नहीं था, 1 या 2 दिन इसको खिलाया होगा, उसके बाद ये देखो कितना बड़ा हो गया 2-3 महीनों में। अरे इसने पहचान लिया है ना, पहचान लिया तूने? हेलो कर, हेलो कर। इस हाथ पे चोट लगी थी ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पे कौन सोया है भाई? कौन सोया है? अब देख तू दूषी, ठंडा लग तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, अब क्या हुआ तेरे को? भूख लगी है? भूख लगी है तेरे को? अब देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं, तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू, अभी जल्दी में मेरे को गोविंद घाट जाना पड़ रहा है। एक तो अखिलेश आ रहा है जोशीमठ से, उसको ले रहे गोविंद घाट में, और पापा को पांडुकेश्वर छोड़ने। कुछ स्कूल का काम पेंडिंग होगा तो सुबह सुबह ठंडे में जाऊंगा। खैर नीचे धूप होगी गोविंद घाट में, लेकिन यहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, 10 बज चुके हैं। तो भाई पापा को पांडुकेश्वर छोड़ के भी आ गया, अब थोड़ा अखिलेश का वेट करते हैं। 15-20 मिनट मुश्किल से मुझे वेट और करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ गोविंद घाट का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी दिन के टाइम, डे टाइम पूरी पार्किंग अभी खाली हो रखी है। और इधर से भी ना मैं आजकल जो आता हूँ इधर वाली सड़क से आता हूँ, तो देखिए यहाँ से होते हुए सीधा स्टेशन, मतलब इतना लंबा रूट घूमने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से स्टेशन से आप यहाँ आ सकते हो। रास्ता तो सही हो गया, क्लियर हो गया है। और देखिए दरबार साहब का दृश्य कुछ ऐसा अभी लग रहा है, पूरा खाली खाली है। सभी कुछ सेवादार होंगे, 2-4 सेवादार तो होंगे ही होंगे, हमेशा रहते हैं, 12 महीने रहते हैं यहाँ गोविंद घाट में। लेकिन बाकी अभी सब होंगे, देखो यात्रा समाप्ति के बाद सब घर चले जाते हैं दीपावली अलग अलग त्योहारों के लिए, और है ना मतलब थोड़ा ये है कि यहाँ पे काम कम है, तो इसलिए सब लोग सेवादार लोग या मैनेजर जी लोग सब लोग गए होंगे अपने अपने घरों या अपने अपने गांव में पंजाब में जहां भी रहते होंगे। बाकी अभी सिर्फ 17 तारीख तक यहां का रूट अभी थोड़ा फुलफिल रहेगा, जब तक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद नहीं हो जाते हैं। देखिए भाई सामने वाली पहाड़ी बिल्कुल सूखी हुई है, जबकि कभी कभी यहाँ पे तो मतलब हमेशा बर्फ रहा करती थी, बट लेकिन अब समय के साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और देखिए और आजकल थोड़ा सा क्या हो गया कि जो अलकनंदा रिवर है वो थोड़ा नीली नीली लग रही है, मतलब बढ़िया सुंदर सी लग रही है, कोई मिट्टी वाला पानी नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल बरसात नहीं है ना, बरसात होती है तो आसपास अगल बगल से जो है ना बरसात के साथ मिट्टी भी आ जाती है, जिससे जो है पानी गंदा हो जाता है। तो चलो यहाँ पर तो धूप आ गई, अभी पुलना गाँव में अभी तक धूप नहीं आई होगी, नीचे गाँव में, ऊपर तो चलो आ गई होगी, तो इसलिए चलो धूप भी सेक लेते हैं, ठंडा तो है ही है, धूप सेक लेते हैं। और थोड़ा अखिलेश का भी वेट कुछ देर और कर लेते हैं, 10-15 मिनट और।
बालेश्वर में आ गया और कोतकुरा धार में ना जहाँ परसों हम नीचे से आए थे, तो अभी किसी ने बताया कि यहाँ पे केशव और एक और है साहिल छोटा भाई है, तो उन्होंने यहाँ से बाघ देखा और यहीं से गुजरते हुए गया जो हम परसों रास्ते से आए थे ना, तो यहाँ से नीचे चला गया। तो अब बाघ का डर होता है विंटर्स में, कुत्तों को मारते हैं, डॉगे को मारते हैं, तो इससे ज़्यादा शाम को घूमना यहाँ पर ज़्यादा सेफ नहीं है, तो हमने यहीं पर खड़ी करी। उन्होंने बताया कि भाई इधर कल बाघ देखा, सामने देखा, पर ये वाला टाइगर है भाई, टाइगर और बाघ ये भी टाइगर है भाई, इसको ये अकेला रहेगा ऊपर, इसको कोई टेंशन नहीं होगी। तो भाई अभी बॉक्सी की बात चल रही है दूसरे डॉगी से जो वहाँ पे है, देखो 3 बजते बजते यहाँ धूप भी चली जाती है और आजकल लगभग 11 से 10-15 मिनट पहले धूप आ रही है। देखो पहाड़ों से यहाँ से धूप जाना शुरू हो गई है और ठंडा लगना शुरू हो चुका है, और ऐसे ऐसे करके धूप जाएगी ऊपर। और अभी खाना खाया, कुछ देर धूप पे ही बैठे थे, बाकी काम चल ही रहा है। और फिलहाल अभी शादियों के कार्ड बांटने जाएंगे इधर आसपास, जो साजन भाई हैं उनकी शादी का कार्ड है, तो चलेंगे, अभी टाइम हो रहा है वैसे पास ही जाना। भाई 3:14 हो रहे हैं और धूप भी जा चुकी है, पुल्ला गांव से इधर से जा रही है धीरे धीरे। 3:14 मतलब यार 2-4 घंटों की भी प्रॉपर धूप हमें देखने को नहीं मिल रही है अभी पुल्ला में, इसलिए मैं जैकेट और स्वेटर और पहन के आ गया। मैंने कहा यार ठंडा होगा, हेलमेट ज़रूरी है ताकि हवा ना लगे, क्योंकि हमें टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटे कम से कम लग ही जाएंगे, आना जाना, कार्ड बांटना, पहचानना, कुछ पहचान नहीं होती, बट यही होता है गांव में ना कोई आपके कोई दोस्त भाई रिश्तेदार कोई होंगे, वही कार्ड बांट देते हैं अलग अलग जगह। अभी जो रिवाज है पहाड़ों में कार्ड बांटने का तो है ही है भाई, हर जगह कार्ड पहुंचाना ही पड़ता है, चाहे वो देहरादून हो, दिल्ली हो, कहीं ना कहीं किसी के हाथ से 15-20 या 1 महीने पहले पहुँचाना ही पड़ता है, तो वही है। तो चलो हम भी पहुँचा ही लेते हैं, सभी को पहुँचाना होता है, क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना, फिर वो बोलते हैं यार कार्ड ही नहीं आया था तो इसलिए हम शादी में नहीं आए थे, जबकि कार्ड पहुंच जाता है, अगर किसी के हाथ पहुंचाते हैं वो देना भूल जाए कार्ड तो ये अलग समस्या रहती है। पर चलो कोई नहीं, घूमना फिरना भी हो जाएगा और साथ में कार्ड भी बढ़ जाएंगे। मेरे आगे जा रहे हैं अंशुल और देवेश और मैं अकेला हूँ बाइक में, और देवेश की गोद में है बॉक्सी, बॉक्सी भी आज घूमने के लिए आ जाएगा भाई। ये देखो GoPro लगाया नहीं है तो ऐसे ही ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। बॉक्सी को आज घुमाने ले जा रहे हैं। तो भाई लामबगड़ तो पहुंच गए, लेकिन ऊपर ऊपर है एक गांव और एक इधर है गांव जहां जा नहीं सकते अभी यार, काफ़ी लेट हो जाएगी इतना चलना फिरना चढ़ाई। तो यहीं पे भाई लोग मिले हैं जिनसे हम कार्ड मटवाएंगे, तब उनका गांव है ऊपर, तो वो शाम को जाते हुए लेते हुए सबको दे देंगे। तो भाई कार्ड्स वगैरह दे दिए और यहाँ पे देखो इधर बद्रीनाथ धाम से बहुत अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ दिनों की यात्रा, सबसे 4 धाम की सबसे आखिरी यात्रा बद्रीनाथ धाम की बची हुई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, जल्दी जल्दी लोग दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो जाती है और यात्रा भी समाप्त हो जाती है। मैं एक बार गया था वहाँ पर ऊपर लामबगड़ में, ऊपर अरूड़ी में, और एक गाँव इधर ऊपर है। बहुत सारे कार्ड बांटते बांटते आ गए हैं और यहाँ पे देखो प्यारा सा गांव है बिल्कुल सामने, और आजकल उनमें अनाज उगे हुए हैं ना जो रेड कलर्स के दिख रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी अब ड्रोन शूट करते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे कितना सुंदर सा प्यारा सा गांव है।
तो भाई ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया कार्ड वगैरह बांटने में, और उम्मीद करता हूँ एरियल व्यू आपको पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल अब चलते हैं, यहाँ पे ठंडा ज़्यादा है। और चलो, हमने लगभग 5 बजे से पहले पहले काम निपटा दिया, 3 बजे निकले थे घर से। और यहाँ पे बॉक्सी को हमने यहीं पे कहीं पे छोड़ा था विनायक चट्टी के पास। बॉक्सी हेलो। तो यहाँ से ड्रोन शूट किया, अब सीधा घर की तरफ निकलते हैं। मौसम भी मतलब धूप भी चले गए ऊपर ऊपर पहाड़ों में, यहाँ तो ठंडा हो जाता है, पर कितना सुंदर सा गांव लग रहा है यहाँ पे। देखे खेती बाड़ी कितना अच्छा चमक रहा है। तो भाई आज है नित्या का बर्थडे, और आज नित्या के बर्थडे में हम सब पहुँचे हुए हैं। नित्या का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नित्या। नित्या आज बहुत सुंदर लग रही है भाई, थोड़ा पीछे पीछे हो तो ये थोड़ा और। ये है भाई नित्या का बार्बी डॉल वाला केक। किसका केक है ये नित्या? मेरा। काना भैया का? काना भैया का ना। किसका है? मेरा। अच्छा काना का हो गया बोल। ये नित्या का बुल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है काना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे देख, बर्थडे डियर नित्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो रुक जा अभी मम्मी। अरे पहले मम्मी को खिला, पहले मम्मी को खिला। ये गुब्बारे का फोड़ा तूने ऊपर से है, सारी टॉफियां निकाल दी। बुल्ला को खिला, बुल्ला को, बुल्ला को खिला, बुल्ला को, बुल्ला उधर है। पापा को तो खिलाए नहीं तूने अपने। हैप्पी बर्थडे। चलो दादी, दादी को ही बोल खिला, बोल। अद्दू अद्दू सब पहुंच रखे यहाँ पे, तेरी बेस्ट फ्रेंड तो पहुंची नहीं वेदा। तो भाई आज नित्या 5 साल की हो गई है, 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वां वर्ष लग चुका है। अब ये स्कूल जाएगी इस साल या नए साल में स्कूल जाएगी, जोशीमठ में ही रहेगी। ये भी आ रहा है कद्दू। कौन? अरे वो अद्दू है, कद्दू नहीं है। क्या इसको क्या? अच्छा टॉफी टॉपोरी बोल रहा तेरे को। नित्या, नित्या के पार्टी में आज हमने चौमिन पार्टी करी, बनाने वाली भारती दीदी बहुत अच्छा बना रखा था, टेस्टी है। नित्या अगले साल तो तू जोशीमठ मनाएगी रे बर्थडे, हम लोग कैसे आएंगे तब? गाड़ी भेजेगी हमें? हमारे लिए गाड़ी भेजेगी? नहीं भेजेगी। ये कर तो, फिर से कर तो नित्या। बाय बाय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज नित्या का बर्थडे है, क्या है बर्थडे, क्या है, क्या है बर्थडे? भाई नित्या का बर्थडे भी मना दिया, 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल लग गया है। और यहाँ पे बहुत नित्या के क्या क्या मौसी लोग आ रखे हैं, बुआ लोग आ रखे हैं, बुआ आरती, बुआ भारती, बुआ सोनी। बुआ तो बहुत दूर रहती है, वो नहीं आ पाई है, है ना? सोनी बुआ की याद आ रही तेरे को? आ रही? तूने फोन किया? बुआ आ जाओ बोला तूने? क्या बोला बुआ ने?
क्या बोला? क्या बोला? तो भाई आज तो बहुत थकान होगी, बहुत दौड़ भाग, गोविंद घाट दो तीन बार गए, कार्ड मारने के बर्थडे भी मना लिया है, अब लग रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक नींद आ रही है। तो अब करते हैं सोने की तैयारी और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा आया होगा, क्योंकि इधर उधर गांव भी गए, थोड़ा शाम के टाइम ना जो ड्रोन शूट है वो अच्छा नहीं आता अंधेरे अंधेरे में, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। कभी डे टाइम में जाएंगे तब आपको और मज़ा आएगा। फिलहाल ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।